Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे भारत और चीन की। एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच जो जारी युद्ध है, उसमें भारत और चीन जो है वो लगातार तटस्थ रुख अपनाए हुए है। और अब भारत चीन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। रक्षा सूत्रों ने यह खबर दी है कि भारत और चीन अब जल्द ही आपस में बैठकर बातचीत करने वाले हैं। ये कौन सी बातचीत है और क्या होगी इस बातचीत में बात, ये भी हम आपको इस वीडियो में ही बताने जा रहे हैं। दरअसल देखिए, एक तरफ तो रशिया और यूक्रेन का जो विवाद है, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप की जिस तरीके से गोलबंदी है उसको लेकर, जो रशिया को लेकर जो है, भारत और चीन दोनों ही तटस्थ रुख अपनाए हुए हैं। चाइना ज्यादा खुलकर रूस के समर्थन में है और उसे अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर करार दे रहा है। और इन सब के बीच अब खबर यह है, रक्षा सूत्रों ने खबर दी है कि भारत और चीन के बीच 15वें दौर की बैठक होने वाली है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि चुशुल मोल्डो में जो है ये 15वें दौर की बैठक होगी कोर कमांडर स्तर की। और यहाँ लद्दाख इलाके को लेकर जिस तरीके से विवाद था, बीते सालों से ये जो विवाद चला आ रहा है, खिंचा आ रहा है, और एक तरीके से साल 2020 में जिस तरीके से झड़प भी हुई थी उसके बाद से ही लगातार जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में तनाव है, उसको लेकर बातचीत की बात सामने आ रही है। कई इलाकों से जो है सिचुएशन जो है उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, सैनिकों को पीछे करने की कोशिश की जा रही है। कई इलाकों में यह हुआ भी है और कई इलाकों में अभी भी जो तनाव है वो बरकरार है। सैन्य जो शक्ति है वो आमने सामने है, वहां से कैसे उसको डिस्केलेट किया जाए, कैसे सैनिकों को जो है वो पीछे किया जाए और कैसे शांति बहाल की जा सके, इसका मंथन होगा 15वें कोर की बैठक में। और क्या जानकारी है ये भी जरा हम आपको बता देते हैं कि 15वें जो ये जो बैठक है उसमें दोनों देश जो है 14वें दौर के बाद ये जो बैठक है 15वें दौर की, बताया जा रहा है कि 11 मार्च को जो है वो चुशुल मोल्डो में हो सकती है। और इस बैठक में भारत जो है वो हॉट स्प्रिंग इलाका, डेपसांग है, डेमचौक है, इन इलाकों पर लगातार जो 14वें दौर में भी बातचीत हुई थी उस इस दौर में भी वही बातचीत को आगे बढ़ाने की एक तरीके से कोशिश होगी। साल 2020 में गलवान के बाद से ही तनाव जो है वो दोनों देशों के बीच में काफ़ी चरम पर है। सीमा पर इस वक्त भी हजारों की तादाद में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं और लगातार एक दूसरे की निगरानी कर रहे हैं। चाइना जितना साजो सामान इकट्ठा कर रहा है, भारत भी उसी लिहाज से अपना जो है वो साजो सामान इकट्ठा कर रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तरीके से मैन टू मैन मार्किंग, वेपन टू वेपन मार्किंग जो है वो भारत ने की हुई है चीन को लेकर, ताकि चीन कोई चालाकी करे तो उसका काउंटर अटैक भारत बहुत ज्यादा मजबूती से दे पाए। इसलिए अब लेकिन उम्मीद ये की जा रही है, चूंकि ये 15वें दौर की बैठक है, एक तरफ रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उनके बीच इस तरह की बैठक होना अपने आप में कई तरह के संकेत है। हो सकता है कि इस बैठक में कोई सकारात्मक जो सुझाव है वो निकलकर सामने आए, कोई पहल ऐसी हो जिससे शांति हो और जो तनाव है उसको घटाया जा सके, क्योंकि अभी देखा यह जा रहा है कि रशिया जो दोनों ही देशों, चाइना और भारत दोनों का ही मित्र है, उसको जो है वो काफ़ी प्रेशर झेलना पड़ रहा है अमेरिका और वेस्ट का, यूरोप का। ऐसे में भारत और चीन अपनी दूरी को घटाकर एक तरीके से रशिया को भी बैक दे सकते हैं। तो क्या होगा अपडेट, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे भारत तक पर। देखते रहिए भारत तक।